नमस्कार दोस्तों, रूस और यूक्रेन में छिड़े जंग के बीच बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब तक जहां रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किया जा रहा था, वहीं यूक्रेन ने भी अब रूस पर पलटवार शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो यूक्रेन ने रूस पर शनिवार की रात जवाबी हमला किया है। जानकारी के लिए बता दें, यूक्रेन ने इस जवाबी हमले को ड्रोन के जरिए अंजाम दिया है। ऐसे में अगर पूरी खबर की बात करें तो बीते शनिवार की रात यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर घातक ड्रोन के जरिए हमला किया है। वहीं यूक्रेन द्वारा किए गए इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सामने आई रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन ने अपने इस हमले में रूस की उस राजधानी मॉस्को में एक सरकारी इमारत को निशाना बनाया है। बता दें कि यूक्रेन द्वारा किए गए इस हमले में मॉस्को के जिस इमारत को निशाना बनाया गया है उसका नाम आईक्यू क्वार्टर है, जिसमें ये कई सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। बता दें कि रिपोर्ट की माने तो इस हमले में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। मगर इस हमले को लेकर मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने अब तक इस हमले में किसी के भी घायल होने या मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। बता दें कि यूक्रेन ने यह हमला तब किया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग पर शांति वार्ता को लेकर अपना एक बयान पेश किया था। ऐसे में अब अगर इस बयान की बात करें तो शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफ्रीकी नेताओं से मुलाकात किया, जिसके बाद पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफ्रीकी पहल यूक्रेन में शांति का आधार हो सकती है, लेकिन यूक्रेन की ओर से जारी हमलों ने इसे कठिन बना दिया है। पुतिन ने कहा कि अफ्रीकी पहल एक बिंदु युद्ध विराम था, लेकिन यूक्रेनी सेना आक्रामक है, वे हमले कर रहा है, वे बड़े पैमाने पर रणनीतिक आक्रामक अभियान चला रहा है। ऐसे में जब हम पर हमला हो रहा है तो हम गोलीबारी बंद नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ शांति वार्ता शुरू करने के सवाल पर पुतिन ने कहा, हमने इस बात को खारिज नहीं किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए दोनों पक्षों में सहमति होना जरूरी है। और बता दें कि इसी प्रेस वार्ता के अगले दिन यूक्रेन ने मॉस्को पर अपने इस घातक ड्रोन के हमले को अंजाम दिया है, जिसके बाद इसके अंजाम काफी हद तक भयावह नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अगर एक बार फिर से तूल पकड़ता है तो इसमें पोलैंड, जर्मनी, चाइना और अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल होते दिख सकते हैं, जिसका परिणाम काफी हद तक विनाशकारी होगा, जिसका असर छोटे बड़े लगभग हर देश पर दिखेगा।